जो अपना पटनाव है वो टाइम पर पहुँच नहीं पाते भाई, और उसके साथ साथ में हमारी तहसील भी जींद है, तो जो बड़े बुजुर्ग कुछ काम है वहाँ तहसील का वो भी नहीं हो पाता टाइम पर, इसलिए हम मतलब साहब तो यह ज्ञापन दे गया युवा कही है कि हमारा टाइम पर बसा हुआ है, और उसके साथ साथ में जो कंडक्टर ने इसका तो बदला करा जाओ, इसका भी वो भी अच्छा नहीं है, बच्चों के साथ फिर बड़ों के साथ भी। किस प्रकार का व्यवहार है मतलब आपने? अपनी मनमानी करता भाई, उल्टा सुल्टा भी ना सुना भी बोला है, बड़का ने भी मतलब लड़कियाँ के लिए भी अच्छा भी है उन्हें इसका। कितने बजे बस आती है आपके गांव से, कौन सी बस में? टाइम के अनुसार बस आओ, सवेरे 7:30 बजे बस आओ है, फिर दिन में 10:30 बजे बस आओ है, फिर एक दिन में और आओ है बस 2 बजे, तो उसके बाद में कोई बस नहीं है, और हम साथ में चाहो वहाँ 1-2 बस और लगा हुआ है, और ये भी टाइम पर नहीं आती बस। प्रशासन से मिले आप, क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन CTM साहब से मिले, पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने बोला है कि GM को मैं रिपोर्ट करूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। अगर आपकी समस्या नहीं मानेगी तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगर जब समस्या नहीं मानी तो फिर सारे काम आदमी मैं इकट्ठे करेंगे और GM साहब का आएंगे और अड़ा बस स्टैंड पर हम तो धरना धरेंगे। क्या नाम आपका? विक्रम नाम है भाई।